से उन पर फीड करता है। और ये एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, क्योंकि ये जो सकिंग पेस्ट होते हैं मेजरली जो एफिड्स है, वाइट फ्लाई है, ये उनको कंट्रोल करता है, उनको उनके ऊपर फीड करता है। इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें चार स्टेज हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। जो एग है वो ओवल और डार्क येलो कलर का होता है, 3 से 7 दिन में उसकी हैचिंग हो जाती है। जो लार्वा है वो डार्क कलर का होता है, स्पाइंस होते हैं उसके बॉडी पे, और 21 दिन बाद ये जो इसकी लार्वा स्टेज है वो ख़त्म हो जाती है। प्यूपा स्टेज आती है वो होती है 5 से 7 दिन की। जो अडल्ट है वो एक ओवल और डोम शेप का होता है, रेड कलर येलो कलर हो जाता है उसका, और उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। और मेजरली ये जो हमारे सकिंग पेस्ट हैं, एफिड्स है, वाइट फ्लाई है, इनको कंट्रोल करने के लिए एज ए प्रीडेटर हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी कार्निवोरस फीडिंग अभी होती है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ। जो एक जो लेडी बर्ड बीटल है ये अपने एक जीवन में लगभग 5,000 से 6,000 एफिड को खा जाती है, और इसका जो लेडी बर्ड बीटल नाम है ये जो आया है वो मदर मेरी जो एंटमोलॉजिस्ट है उनके नाम से इनका नामकरण वो रखा गया है। और इसका नाम लेडी बर्ड बीटल ही क्यों रखा गया, ये जो एक्चुअल जो ट्रू बीटल है उनसे इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए ये वर्ड है, इस पे इसका नाम रखा गया है। थैंक यू।